साथ पे कर्मचारियों के लिए शानदार अपडेट। कर्मचारियों को मिली एक और खुशखबरी, HRA में होगा इजाफा। सेवंथ पे कमीशन अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डीए बढ़ने के बाद ही कर्मचारियों के HRA में भी इजाफा होने जा रहा है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिलेगा। इसको बढ़ाने के बाद में सरकार हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा करने जा रही है। सरकार जल्द ही HRA को लेकर ऐलान करने जा रही है। कब रिवाइज होगा HRA? मोदी सरकार HRA में भी जल्द इजाफा कर सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। बता दें, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के आखिर तक सरकार HRA में इजाफा कर सकती है। अगर महंगाई भत्ता 50% के लेवल पर पहुंच जाता है तो उस स्थिति में सरकार HRA को रिवाइज कर सकती है। इस समय पर कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 42% हो चुका है। आखिरी बार जुलाई 2021 में हुआ था रिवाइज। बता दें, जुलाई 2021 में जब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25% क्रॉस हो गया है तो उसके बाद में सरकार ने HRA को रिवाइज कर दिया था, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो गया था। फिलहाल अब जब डीए 50% पहुंच जाएगा तब सरकार एक बार फिर से HRA को रिवाइज कर सकती है। 3% बढ़ेगा HRA। आपको बता दें, इस बार सरकार हाउस रेंट अलाउंस में 3% का इजाफा करेगी। इस समय पर कर्मचारियों को 27% की दर से HRA मिल रहा है, यानी यह बढ़कर 30% हो जाएगा। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक ये 30% तब होगा जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा।